नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एमसीएक श्योर गेन के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण राणा, और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे एल्गो ट्रेडिंग के बारे में, जिसमें कि हम आपके सामने लेके आए हैं एक वेबसाइट जिसका नाम है एल्गो क्रैप.com। एल्गो क्रैप.com दोस्तों एक मल्टी ब्रोकर एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें आपको काफ़ी सारे ब्रोकर्स पे ट्रेडिंग करने का ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें आपको अच्छे अच्छे ब्रोकर्स जैसे कि जीरोधा, आइलिस ब्लू और ट्रेड स्मार्ट और आपका फायर्स, इस तरीके से काफ़ी सारे ब्रोकर्स हैं जिनके साथ आप एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं। एल्गो ट्रेडिंग करना बहुत ही आसान है, और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे किस तरीके से हम प्री डिफाइंड स्ट्रेटजीज का यूज़ करके एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये है एल्गो क्रैप की वेबसाइट। इसके लिए आपको जाना होता है www.elgocrap.com पर, और जाने के बाद आपको क्लिक करना होगा साइन अप का बटन। तब आप साइन अप का बटन क्लिक करेंगे तो ये आपको एक पेज, एक फॉर्म खुलेगा। इस फॉर्म को आपको फिल करना है, जिसमें आपको आपका नाम, आपका ईमेल एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर और आपका पासवर्ड, ये चार चीज़ें आपको यहाँ पर देनी होगी, और साइन अप पे क्लिक करना होगा। जब आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपको एक ईमेल नोटिफिकेशन आएगा, और ईमेल नोटिफिकेशन में आपको कंफर्म का बटन पे क्लिक करना होगा, और कंफर्म के बटन पे क्लिक करने से आपका अकाउंट खुल जाएगा। तो दोस्तों, मैंने अपना अकाउंट ऑलरेडी खोला हुआ है, तो मैं सीधा साइन इन के बटन पर जाऊंगा और अपनी डिटेल्स डालूंगा। तो मैं यहाँ पर देखूंगा कि किस तरीके से मुझे चीज़ें आगे मिलती हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पर लॉग इन करूँगा, तो लॉग इन करने के बाद मुझे ये स्क्रीन दिखाई देगी जो आपको अभी दिखाई दे रही है। इस स्क्रीन में क्या क्या चीज़ें हैं, उनके बारे में मैं अभी आपसे डिस्कशन करता हूँ। आपको एक एक करके बताता हूँ किस तरीके की चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। सबसे ऊपर आप देखेंगे कि टोटल हमारे पास अभी तक जो स्टोर सिग्नल हैं वो हैं 17,440, और 17,440 में जो हमारा प्रॉफिट निकल के आया है वो है दोस्तों ये, यहाँ पर 241,420 पॉइंट्स का प्रॉफिट। ये अलग अलग सिंबल्स का प्रॉफिट है दोस्तों, इसमें एक कोई एक पर्टिकुलर सिंबल का प्रॉफिट नहीं है, और एक्यूरेसी में 47.6% आ रहा है। तो ये ओवरऑल एक्यूरेसी है दोस्तों, यानी कि आपने देखा होगा कि स्टॉक मार्केट में काफ़ी सारे सिंबल्स अवेलेबल हैं। हमने भी यहाँ पर कम से कम 200 से 250 सिंबल्स को इंक्लूड किया है। तो 200 से 250 सिंबल्स के अंदर कुछ सिंबल ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, जो ट्रेंड मोमेंट देते हैं, ट्रेंडी मोमेंट देते हैं, लेकिन वहीं कुछ सिंबल ऐसे होते हैं जिनमें वॉलेटिलिटी यानी कि वॉल्यूम और जो आपका और जो फ्लक्चुएशन है वो काफ़ी कम होती है। उसकी वजह से जो है वो स्टॉक्स जो है ज़्यादा ऊपर नीचे मूव नहीं करते, और उसके वजह से एक्यूरेसी भी इतनी खास नहीं निकल के आती, क्योंकि उसमें एनालिसिस करना थोड़ा टफ हो जाता है। अब यहाँ पे हमने एक्यूरेट सिंबल कौन से हैं उनको निकालने का अलग फॉर्मूला निकाला है, उसको भी मैं अभी आपको वीडियो में बताऊंगा। आगे आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, और जो लोग हमारे चैनल पर सबसे पहली बार आए हैं दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हम अपने चैनल पर डालते हैं, और आपको भी मज़ा आएगा उन चीज़ों को देखने के बाद अगर आप हमारे वीडियोस को देखेंगे। तो अब यहाँ पर नीचे देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तीन अलग अलग स्ट्रेटजीज आपको ऊपर ऊपर दिखाई दे रही हैं, एक ईगल है, एक इंट्रामैक्स है, एक सुपर ट्रेंड है, फिर नीचे मनी मशीन है, एमए क्रॉस ओवर, जिंगारा। इसमें से एक दो स्ट्रेटजीज पे अभी हम काम कर रहे हैं, बाकी की सारी स्ट्रेटजीज जो हैं वो लाइव हैं। तो अब इसमें हमें कैसे पता चलता है दोस्तों, वो जानकारी लेने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें जाना होता है सबसे पहले ऑथेंटिकेशन के पार्ट में। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों हमारे इस वेब ब्राउजर का, ये हमें डेली करना है। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे ऊपर लिखा भी हुआ है कि ऑथराइज डेली फॉर अनइंटरप्टेड ट्रेडिंग। अनइंटरप्टेड ट्रेडिंग करने के लिए यानी कि हमें प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग करने के लिए यहाँ पर ज़रूर आना है एक बार, और वो भी हमें आना है मार्केट खुलने से पहले, यानी कि मार्केट स्टार्ट होने से पहले। तो हमें करना क्या है, जो भी हमारा ब्रोकर है वो हमारा ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्टेड ही रहेगा। फर्स्ट टाइम सेलेक्ट करना है तो फर्स्ट टाइम आप सेलेक्ट कर सकते हैं, एलिस ब्लू सेलेक्ट करना है तो एलिस ब्लू में आपको अपनी क्लाइंट आईडी यहाँ पर अपडेट करनी है। ये क्लाइंट आईडी डाल के अपडेट करेंगे, अपडेट होने के बाद ये गेट एक्सेस टोकन का टैब यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद गेट एक्सेस टोकन पर क्लिक करेंगे तो ये हमें एलिस ब्लू की वेबसाइट पर ले जाएगा, और हमसे कहेगा कि अपनी डिटेल्स को यहाँ पे फिल करो। जैसे हम अपने डिटेल फिल करेंगे तो उसके बाद ये अगले पेज पे आगे बढ़े। जैसे ये प्रॉब्लम पासवर्ड सही नहीं है, तो अगर हम यहाँ पर सही पासवर्ड डालेंगे और उसके बाद यहाँ पर साइन अप करेंगे तो ये हमसे अगले क्वेश्चंस के पे आ जाएगा, नेक्स्ट स्क्रीन पे आ जाएगा। और जब सक्सेसफुली हम आंसर वगैरह सारी डिटेल प्रॉपरली दे देंगे तो ये हमें ले जाएगा वापस हमारी वेबसाइट के ऊपर जो थी algocrap.com पे। तो जब जैसे ही हमारा algocrap.com पे वापस लेके जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि हमारा ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो गया और हमें नया एक्सेस टोकन मिल गया है।
और जब एक्सेस टोकन मिल जाता है तो हम यहाँ पर ऑथेंटिकेशन पे दोबारा आके वैलिडेट पे क्लिक करके क्रॉस चेक कर सकते हैं कि टोकन वैलिड है या नहीं है। अगर ग्रीन कलर का टोस्ट आया ऊपर और लिखा हुआ है टोकन वैलिड, तो इसका मतलब हमारा एक्सेस टोकन वैलिड है और अब हमारा काम आगे का शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको चीज़ बताई है ऑथेंटिकेशन की, ये हमें डेली करनी है। और इसका कारण ये है दोस्तों कि एक्सचेंज में कंप्लायंस की वजह से जितने भी ब्रोकर होते हैं वो सब 24 घंटे में अपना जो है एक्सेस टोकन जो होता है उसको एक्सपायर करवा देते हैं, ताकि अगले दिन यूज़र आए और वो खुद से एक बार टोकन ले और उसके बाद ही उसकी ट्रेड जो है दोबारा से चालू हो। इसके लिए ये ज़रूरी है, तो हमने भी इन चीज़ों को ध्यान में रख के आपको ये चीज़ें कही हैं कि आप इसको डेली कीजिएगा, और अगर आप इसको डेली करेंगे तो आपका ट्रेडिंग जो है वो डेली विदाउट एनी इंटरप्शन होना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। तो अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ अगला स्टेप जो है वो है दोस्तों स्ट्रेटजीज का स्टेप। जिन लोगों के पास ट्रेडिंग अकाउंट तो है लेकिन वो लैपटॉप या डेस्कटॉप का इस्तेमाल नहीं कर पाते, वो चार्टिंग के बारे में जानते नहीं और चार्टिंग करना भी नहीं चाहते, उस तरीके के जो ट्रेडर्स हैं, जो इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जो पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हैं, वो मोबाइल से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मोबाइल से भी वो एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं, और मोबाइल से एल्गो ट्रेडिंग करने के लिए उनको जाना होगा इस स्ट्रेटजी के सेक्शन में। अब इस स्ट्रेटजी के सेक्शन में दोस्तों हमें जो जो चीज़ें मिलती हैं वो हैं डैशबोर्ड। डैशबोर्ड वही पेज है जो सबसे पहले लॉग इन होकर आता है। उसके बाद एक सेक्शन है दोस्तों कस्टमाइज स्ट्रेटजी का। जो कस्टमाइज स्ट्रेटजी का सेक्शन है वहाँ पर हम जाके सेटिंग करते हैं कि कौन सी स्ट्रेटजी में और कौन से सिंबल में हमें ट्रेडिंग करनी है। उसके बाद है दोस्तों सिग्नल्स का सेक्शन। सिग्नल्स का सेक्शन हमें बताता है कि अभी कौन से सिग्नल्स रनिंग चल रहे हैं। परफॉर्मेंस का जो सेक्शन है वो हमें बताता है कि कौन से सिग्नल में टारगेट हो गया, कौन से सिग्नल में स्टॉप लॉस हो गया, पिछले क्या सिग्नल थे, उन सब की जानकारी यहाँ पे परफॉर्मेंस के सेक्शन में हमें मिलती है। हीट मैप का सेक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो दोस्तों इसके बारे में आप ध्यान से सुनिएगा। हीट मैप के सेक्शन में हमारा ये होता है कि हीट मैप के सेक्शन में जब आप जाते हैं तो ये आपसे पूछता है कि कौन सी स्ट्रेटजी आपको चाहिए। यानी कि अब देखिए मैंने हीट मैप पे क्लिक किया तो ये मुझसे पूछ रहा है कौन सी स्ट्रेटजी का हीट मैप दिखाना है। तो यहाँ पर अलग अलग स्ट्रेटजीज के नाम लिखे हैं। सुपर ट्रेंड जैसे बहुत मोस्ट कॉमन स्ट्रेटजी है ट्रेडर्स के बीच में, तो सुपर ट्रेंड पर जब हम क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये हमें बता रहा है कि देखिए कुछ सिम्बल्स में बोल रहा है ये कि 100% एक्यूरेसी आ रही है, कुछ में बोल रहा है कि 87% आ रही है, 83% आ रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर अलग अलग सिंबल्स की एक्यूरेसी के लेवल जो वो लिखे हैं, जैसे SBIN यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत ट्रस्टेड शेयर है, इसमें आ रही है 75% एक्यूरेसी। तो अब यहाँ से हमें ये पता लगता है दोस्तों कि कितने सिग्नल आए थे और कितने परसेंट एक्यूरेसी। जब हम इस SBIN के बटन पे यानी सिंबल के नाम पे क्लिक करेंगे तो ये हमें दिखाएगा SBI के सिग्नल्स को। अब जैसे ये दिखा रहा है कि टोटल 4 सिग्नल आए हैं, 21 तारीख को आया था, 19 को आया था, 19 को आया था और 15 तारीख को आया था। इस तरीके से 4 सिग्नल आए हैं और चारों में से सिर्फ एक सिग्नल पे स्टॉप लॉस हुआ है, 3 में हो गया टारगेट। तो ये बता रहा है कि हमें 75% एक्यूरेसी इस सिंबल के अंदर आ रही है। इस तरीके से और भी काफ़ी सारे सिंबल्स हैं जिनमें आप क्लिक करके देख सकते हैं और आपको पता लग जाएगा कि भाई किस तरीके की एक्यूरेसी यहाँ पर मिल रही है। जैसे ये ICICI प्रोली है, आपका ITSE है, क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल में भी देखिए 75% एक्यूरेसी, 73% एक्यूरेसी सॉरी दिखा रहा है, और देखिए क्रूड ऑयल में 34 सिग्नल दिखा रहा है, 34 34 सिग्नल दिखा रहा है। 34 सिग्नल में काफ़ी सारे सिग्नल टारगेट के हैं, ये देख सकते हो आप दोस्तों, काफ़ी सारे सिग्नल टारगेट के हैं, कुछ सिग्नल स्टॉप लॉस के हैं। अब जैसे 2 दिन लगातार, 3 दिन, 3 4 दिन लगातार लॉस हुआ, उसके बाद फिर प्रॉफिट प्रॉफिट के सिग्नल्स बनने शुरू हो गए, तो यहाँ पर 73% एक्यूरेसी निकल के आ रही है, यानी 10 में से 7 सिग्नल में प्रॉफिट होता है और 10 में से 3 सिग्नल में लॉस होता है। इस तरीके से ये एक्यूरेसी निकल के आ गई। तो आप इसमें से चूज कर सकते हैं कि कौन से सिंबल आपके लिए बढ़िया हैं, जिसमें एक्यूरेसी ज़्यादा है और सिग्नल्स भी ज़्यादा हैं, जैसे ट्रेड्स भी ज़्यादा हैं। जैसे यहाँ पर आप डेविस स्लैब पे क्लिक करेंगे तो डेविस स्लैब में हमें सिर्फ 4 सिग्नल मिल रहे हैं। अब हम ऐसे सिग्नल देखेंगे, ऐसे स्टॉक्स देखेंगे जिसमें हमें काफ़ी सारे अलग अलग जो है सिग्नल्स जो है मिल रहे हों। तो दोस्तों हमें ऐसे सिग्नल देखने हैं जिसमें सबसे ज़्यादा बढ़िया एक्यूरेसी आ रही हो और ज़्यादा भी सिग्नल्स भी, नंबर ऑफ सिग्नल्स भी ज़्यादा हो। जैसे यहाँ पर आप देखो ये बता रहा है ईगल ट्रेडिंग सिस्टम के, मैंने हीट मैप पे लगाया, यहाँ पर बता रहा है IDFC फर्स्ट बैंक में 72% एक्यूरेसी। अगर मैं IDFC फर्स्ट बैंक क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों 50 सिग्नल्स हैं, 50 50 सिग्नल में 72% एक्यूरेसी, यानी कि 10 में से 7 सिग्नल्स में टारगेट मिला है और 3 सिग्नल में स्टॉप लॉस मिला है। इस तरीके से एक्यूरेसी यहाँ पर
दोस्तों मिल रही है। तो इस तरीके से आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, कोई 5-10 सिंबल्स आप डिसाइड कर सकते हैं। फ्यूचर में करते हैं तो 1-2 फ्यूचर आप देख लीजिए, अगर कैश में करते हैं तो 4-5 स्टॉक अलग अलग चूज़ कर लीजिए जो बेस्ट चल रहे हैं किसी भी एक स्ट्रेटजी पे, और उनके ऊपर फिर एल्गो ट्रेडिंग का आप जो है ना लगा सकते हैं। अब लगाना कैसे है, किस तरीके से करना है दोस्तों, उसके बारे में सिंपली हम कैसे लगाएंगे, हम जाएंगे कस्टमाइज स्ट्रेटजी के टैब पे। यहाँ पर कस्टमाइज स्ट्रेटजी का टैब है दोस्तों, कस्टमाइज स्ट्रेटजी के टैब पे हमें क्रिएट सिंबल पे क्लिक करना है। आप यहाँ पर हमें ऑप्शंस मिलते हैं दोस्तों, बहुत ध्यान से देखना, आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे कौन सी स्ट्रेटजी में ट्रेड करना है, उसके बाद दोस्तों हम सिम्बल का नाम लिखेंगे यहाँ पर किस सिम्बल में ट्रेड करना है। क्रूड ऑयल दिसंबर फ्यूचर आ रहा है, क्रूड ऑयल हमारा अक्टूबर फ्यूचर तो आ ही रहा, तो यहाँ पर क्रूड ऑयल अक्टूबर फ्यूचर लिखेंगे तो अपने आप आ जाएगा, क्रूड ऑयल अक्टूबर फ्यूचर आ गया, क्लिक कर देते हैं इस पर। अब यहाँ पे ये इसके बारे में बता रहा है एक्सचेंज क्या है, कोड क्या है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोडक्ट टाइप, प्रोडक्ट टाइप में दोस्तों हमें रेगुलर रखना है अगर हम अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग जा रहे हैं तो, और यहाँ पर हमें जाना है MIS करना है क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें क्वांटिटी डालनी है, कितनी क्वांटिटी में ट्रेड करना है। स्टॉप लॉस ऑन रखना है तो स्टॉप लॉस ऑन रखेंगे, टारगेट 1 ऑन रखना है तो टारगेट 1, 2 रखना है तो 2 पे क्लिक करेंगे, 3 रखना है तो 3 पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये दिखा रहा है दोस्तों 0.5% का स्टॉप लॉस है, 0.5% का टारगेट है, और टारगेट 2 1% और टारगेट 3 1.5% का है। तो इसके हिसाब से हम जो अपना स्टॉप लॉस या टारगेट सेट कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे इस तरीके से स्टॉप लॉस नहीं चाहिए, मुझे अपना पर्सनल कोई स्टॉप लॉस या टारगेट चाहिए, तो दोस्तों उसके लिए भी ऑप्शन है, लेकिन आपको जाना पड़ेगा ब्रैकेट ऑर्डर में। ब्रैकेट ऑर्डर में जाने के बाद आपको ब्रैकेट ऑर्डर का स्टॉप लॉस या टारगेट, जैसे मान लीजिए 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस या 30 पॉइंट का टारगेट रखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो जैसे ही आपका ऑर्डर आएगा वो ब्रैकेट ऑर्डर में कन्वर्ट होकर ब्रैकेट ऑर्डर आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर लग जाएगा, और ब्रैकेट ऑर्डर में आपका ट्रेड भी हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर ब्रैकेट ऑर्डर भी कर सकते हो आप, कवर ऑर्डर भी कर सकते हो। कवर ऑर्डर करना है तो कवर ऑर्डर में सिर्फ स्टॉप लॉस लगेगा, स्टॉप लॉस एंट्री आने के बाद स्टॉप लॉस की वैल्यू जितनी डालनी है आप डाल सकते हो उतने पॉइंट का, और उसके बाद यहाँ पे स्टॉप लॉस को करना होगा ऑफ, और उसके बाद जो है आप सेव कर देंगे तो आपका यहाँ पर जो है स्ट्रेटजी वो सेव हो जाएगी। तो दोस्तों कस्टमाइज स्ट्रेटजी पे आने के बाद हमें यहाँ पे ये चीज़ दिखाई देगी, ये सिंबल का एक रो बन जाएगा, और इसमें हमें स्टार्ट और स्क्वायर ऑफ का बटन दिया हुआ है। तो जब हमें स्टार्ट करना है हम स्टार्ट का बटन प्रेस कर देंगे, स्टार्ट का बटन प्रेस करने से ये रेड हो गया। अब इसमें क्या करना है, अब इसमें दोस्तों कुछ नहीं करना, जब भी आपका ट्रेड बनेगा, जब भी नया ट्रेड क्रूड ऑयल के ईगल ट्रेडिंग सिस्टम में आएगा आपके अकाउंट में ट्रेड हो जाएगा। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, उसमें क्या है, ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन में आपको डेली ऑथेंटिकेट करना होगा अपने आप को, अगर आपने अपने आप को ऑथेंटिकेट नहीं किया तो उस दिन आपका ट्रेड नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको बहुत खास ध्यान रखनी है कि ऑथेंटिकेट में गेट एक्सेस टोकन पे डेली क्लिक करना है, और उसके बाद जब टोकन मिल जाए तो वैलिडेट करके देख लेना है टोकन वैलिड है या नहीं है। ये काम आप मोबाइल से भी कर सकते हो, यही सेम वेबसाइट आप मोबाइल पे लॉगिन कर सकते हो, या फिर आप गूगल प्ले से एल्गो क्रैब की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। गूगल प्ले स्टोर पे एल्गो क्रैब लिखोगे तो एप्लीकेशन मिल जाएगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो दोस्तों ये रही एल्गो क्रैब की एप्लीकेशन, सीधा जाओ इसको डाउनलोड कर लो, और इसमें खोल के आप यहाँ पे और टैब में लेफ्ट साइड में टैब आएंगे, टैब में आपको ऑथेंटिकेशन का टैब आएगा। सबसे पहले आप ऑथेंटिकेशन के टैब पे जाओ, ऑथेंटिकेशन के टैब पे जाने के बाद आप अपने आप को ऑथेंटिकेट कर दो, और बस आपकी उस दिन के लिए ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। यहाँ पर जितने मर्जी सिंबल आप चाहो लगा सकते हो, और जब 6 दिन का ट्रायल खत्म हो जाए तो उसके बाद आप सब्सक्राइब कर सकते हो। सीधा डैशबोर्ड पे जाना है आपने, डैशबोर्ड पे जाके जो स्ट्रेटजी आपको पसंद आई है उसके परचेज पे क्लिक करना है, प्राइसिंग उसकी उसके सामने आ जाएगी। जैसे सुपर ट्रेंड की दोस्तों प्राइसिंग 1500 रुपये, 1500 प्लस GST पे करना होता है, यहाँ पे GST का अमाउंट लगाने के बाद इसका टोटल अमाउंट जो 1768 रुपये होता है, तो 1768 रुपये का पेमेंट आपको यहाँ पे करना होगा। करने के बाद 1 महीने के लिए आप सुपर ट्रेंड की स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हैं। ऐसे इंट्रामैक्स की लेनी है या ईगल की लेनी है, जो भी लेनी है उसके परचेज पर क्लिक करेंगे, और पेमेंट करने से ऑटोमेटिक पेमेंट हो जाएगा आपका, और ऑटोमेटिक स्ट्रेटजी आपकी रनिंग हो जाएगी। अब यहाँ पर एक दो चीज़ें और दोस्तों बता दूँ, एक दो चीज़ें और भी हैं, वो ये है कि यहाँ पर ऑर्डर बुक और ट्रेड बुक का टैब है। तो जब आप ऑर्डर बुक और ट्रेड बुक पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको आपके पर्सनल ऑर्डर्स और ट्रेड्स जो है दिखाई देंगी। मैंने कोई ऑर्डर या ट्रेड नहीं लगाया तो यहाँ पर मेरा दिख नहीं रहा है कोई भी ऑर्डर ट्रेड। आप अगर अपना अकाउंट यहाँ पर लिंक कर देंगे तो आपको अपने ट्रेडिंग अकाउंट में जाने की ज़रूरत नहीं, ये यहीं पर आपको दिखा देगा कि आपकी क्या पोजिशन पड़ी हुई हैं, क्या ऑर्डर बुक में कौन कौन से ऑर्डर पड़े हुए हैं।
तो दोस्तों ये था एक इसका ट्यूटोरियल जिसमें मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आप एल्गोक्रैप में अकाउंट खोल के स्ट्रेटजीज चेक कर सकते हैं। दोबारा मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, सबसे पहले हमें आना है इसमें और अपने आप को ऑथेंटिकेट करना है। उसके बाद हमें जाना है दोस्तों हीट मैप के सेक्शन में और हमें स्ट्रेटजी वाइज देखना है कि कौन से सिंबल कौन सी स्ट्रेटजी में अच्छा काम कर रहे हैं। ये थोड़ा सा होमवर्क दोस्तों आपको करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक ट्रेडिंग का मतलब दोस्तों ये नहीं होता कि सब कुछ ऑटोमेशन से ही हो जाएगा, सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा। कुछ चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं ऑटोमेटिक ट्रेडिंग में। सिर्फ ट्रेड्स को आप ऑटोमेट कर सकते हो, लेकिन किस लॉजिक पे ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है, वो सारी चीज़ें मैनुअली आपको खुद से ध्यान में रख के करनी होती हैं। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं दोस्तों, आप अपने मोबाइल से 5 मिनट के अंदर ये सारा कुछ काम कर सकते हो और उसके बाद सेट कर सकते हो। उसके बाद आपका स्टॉप लॉस टारगेट जो भी है सब कुछ अपने आप सेट हो जाएगा और ट्रेड आने पे अपने आप ट्रेड हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब मैं आपको बताऊंगा कुछ और नई इंटरेस्टिंग बातें एल्गो क्रैप के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और हैप्पी ट्रेडिंग दोस्तों।